लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी। जीएसटी यूपीए का आइडिया था, एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है, चार अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते, और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5-10-15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये चार अलग अलग रेट क्यों हैं? ये चार अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए, और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस जीएसटी रेजिम में आसानी से बदल सकते हैं। और एनडीए की जीएसटी का नतीजा क्या है कि आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेट्स को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पा रही है, प्रदेश एम्प्लॉयज को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर यह सिर्फ फेल नहीं है, यह एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है। छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक साथ इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।